गाइस यहाँ पे देख सकते हो हम अभी फोटो शूट कर रहे हैं एंड इतना अंधेरा है, भूत दिख रहे हैं, मुझे अभी डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ भाग के। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं झरंडेश्वर, हम लोग बोले तो स्वप्निल एंड अभी। तो गाइस मैं ये बताने के लिए वापस आया कि नहीं झरंडेश्वर नहीं, हम कल्याणगढ़ी गए थे बट पहले झरंडेश्वर जाने वाले थे, तब क्या सीन हुआ हमारे साथ वो देखते रहिए एंड ये व्लॉग पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत। देखो वहां से आ रहा है एंड यहाँ से सातारा ऐसा दिखता है, हम जिधर किधर भी जाते हैं वहां से सातारा बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चलो, तो गाइज हम इधर आ गए नीचे, देखो पीछे इतना अच्छा पहाड़ है और इधर फॉग, पूरे बादल ऐसे टकरा रहे इतने हाइट पे। हम जाने वाले थे बट आगे हम नहीं जा सकते, पुलिस नहीं छोड़ रही है, तो वहाँ पे पुलिस खड़ी है एंड आगे नहीं जाने दे रहे हैं। अभी उधर गया है और उन्होंने चाबी निकाल के रखी है अपने पास, तो मुझे एक समझ में नहीं आता, अगर बंद है और हम आए दूर से आए, हमें पता नहीं था इसलिए आए ना, तो चाबी निकाल के रखने में कुछ मतलब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट डाउन बिलो। बट हम जाएंगे, मतलब अगर बताएंगे वो चालू ने अब घर जा सकते हो तो हम जा। तो और एक मेंबर हमारे साथ आ गए बट निराशा हमारे सर पे नाच रही है। देखो कितना अच्छा हो गया है, ऊपर जाके कितना अच्छा लगेगा, मतलब ऐसे बादलों में खड़े होंगे ऐसी शाहरुख खान वाली पोज देख के। बट तो भाई 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 का स्वागत है। ये देखो पति पत्नी और वो अभी। हाँ गाइस, तो हम ये बोर्ड पढ़ने भूल गए, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि कार्रवाई की जाएगी, हम गलत निकले, अभी हम जा रहे हैं वहां पे। देखो उधर मुझे क्यों पता नहीं बट हिमालय वाला फील आ रहा है, जो क्लाउड्स है वो ऐसे हिमालय के पर्वत जैसे लग रहे हैं। तो ऊपर जाने के लिए ऐसा रास्ता है, मतलब पक्का रास्ता नहीं बट ये चलता है, कोई बात नहीं। अरे बाप रे वाह, आज का व्लॉग खतरनाक होने वाला है गाइस। अरे बाप रे, आई डोंट थिंक यहाँ से रास्ता है, बट ऊपर तक गाड़ी जाती है बट रास्ता कहाँ से है पता नहीं। बट गाइस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम प्लान के हिसाब से चलते हैं एंड प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ता है और बाद में जो प्लान बनता है ना, अनएक्सपेक्टेड प्लान, उसमें जो मजा है ना, हाय 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 हाय, नहीं है ना। तो ये रास्ता नहीं है, अलग रास्ता है बट कोई बात नहीं, इधर हम घुस गए एंड इतना अच्छा, वहाँ हमें पहुँचना है, कैसे पहुँचा जाए देखा जाएगा। ओके, और जैसे भी जाएंगे आपको बता के जाएंगे क्योंकि आपको आने में दिक्कत नहीं होगी। इनका फास्ट है, ये पेरू खा रहे, पेरू लगा है मना है, तो अमरूद खा रहे, मतलब पेरू बोलता हूँ मैं, एंड मेरी मम्मी ने पोहे बना के दिए है। मेरी सर्विस ऐसी सादी सुदी नहीं होती। ओके, पोहे में जब ऐसा लाइम जूस छिड़का जाता है ना, तब ऐसा स्वाद आता है। तो अभी खाते एंड जरा थोड़े आगे जाते और बात करते। ओके, तो हमें फाइनली रास्ता मिल गया, नीचे एक जैन मंदिर है, वहां से आपको ऊपर आना है एंड रास्ता कुछ ऐसा है, थोड़ा एडवेंचरस है, अगर बारिश गिरी तो रास्ता फिसलेगा, नहीं तो मजा आ रहा है। देखो ऐसा नेचर है, छाव है, इसके अंदर से जाने में बहुत मजा आ रहा है और ऊपर थोड़ा बहुत फॉग भी है बट मुझे लग रहा है कि और फॉग आना चाहिए एंड बारिश गिरना चाहिए, मजा आएगा। मंदिर कड़े इधर मंदिर है ऊपर। तो हम अभी बीच रास्ते रुके एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो ऐसे बॉक्स में खेती की हुई है एंड मेरे इस साइड पीछे विंड मिल्स है, बहुत नज़दीक है, मैं दिखा दो, ये इतने नज़दीक हमारे विंड मिल्स है एंड ये जो दिख रहा है विंड मिल्स, देखो आधा विजिबल है और आधा इनविजिबल है जो फॉग में चला गया है।
तो सातारा में रहता हूँ, इतना पास कल्याणगढ़ है, मुझे मालूम नहीं था। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे मालूम ही नहीं था कि कल्याणगढ़ करके आपके पास, मतलब मेरे पास कुछ है। DSLR हाथ में पकड़ के ऐसा हाथ दुखने लगता है, कैसे वो माइक वगैरह लगा के ब्लॉगिंग करते पता नहीं, बट एक हाथ ऐसा दुखने लगा है। DSLR में ब्लॉगिंग करने के बाद ऐसा ये मिलता है मतलब। तो यहाँ से नीचे से आने के बाद यहाँ दो रास्ते हैं, यहाँ पे इधर एक जाता है और इधर एक जाता है, ये जाता है ये विंडमिल्स की तरफ। तो गाइज बिना देर के चलते इधर कल्याणगढ़ है, वहाँ पे DSLR में एक बात है, देखो कैसे हीरो लग रहा है भाई। हाँ, ये देखो हीरो नंबर 2 एंड हीरो नंबर 3। ऐसा क्या ब्रेकअप झाले का? ब्रेकअप के बाद ऐसा होता है हाल। मोटरसाइकिल और स्कूटर में यही डिफरेंस है कि नीचे वाला पार्ट होता है वो छोटा होता है, इसलिए आवाज आती है। तो गाइस अभी मैं चल के जा रहा हूँ, क्यों मैंने लास्ट ब्लॉग में जैसे बताया था कि मेरे गाड़ी का सर्विसिंग नहीं हुआ, तो चढ़ नहीं रही है डबल सीट, इसलिए बंदे आगे जाके खड़े एंड मैं चल के जा रहा हूँ। ऊपर आने के बाद नीचे ऐसे नेचर एंड लैंड्स देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, दूर दूर ऐसे पहाड़, बीच में खेती, छोटे छोटे गाँव, वान जी वाह, मजा आ गया। आगा हाथ दुखते गाइस, मैं सच्ची बता दूं आपको, ऊपर जाने तक हम इतनी बार रुके हैं ना क्योंकि ये जो नेचर है और ये शुद्ध हवा है जो घर में हम बैठ बैठ के जाम हो चुके हैं हमारे माइंड में, सब वो ऐसा रिलीज हो गया। एंड इतनी पास मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, जो खराब रास्तों से हम आए उससे ही इसका जो सामान है वो ऊपर चढ़ाया गया होगा, बट वहाँ पे उसके स्पेयर पार्ट्स या इसका जो पंखा है वो ऊपर कैसे चढ़ाया गया होगा, आई डोंट नो। ये देखो भाई हमारा कैसा छन रहा है। इसके लिए ब्लॉग को डिसलाइक कर सकते हो। तो गाइज हम अथक परिश्रम लेके यहाँ तक पहुंचे, गाड़ी से आए बट रास्ता बहुत खराब। तो रास्ता खराब था बट ऊपर आने के बाद पैसा वसूल एकदम। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो गुफा है एक, एंड इस साइड स्टेप्स है, ऊपर जाने के बाद दत्त भगवान का मंदिर है, मारुति भगवान का मंदिर है और पारसनाथ का मंदिर है, और भी कुछ है क्या देखते हैं ऊपर जाने के बाद। When it hits you, yes, indeed, yes, 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 you shall. When it hits you, yes. तो शूज चप्पल जो भी थे वो हमें इधर ही निकालना है। तो गाइज यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पहला मंदिर है शिव जी का, तो हमने शिव जी का आशीर्वाद लिया, जैसे कि सावन महीना शुरू है इसलिए शिव जी का आशीर्वाद लेना इज मस्ट। So, हमने इधर शिव जी का आशीर्वाद लिया। अब आगे चलते, आगे जाने में एक ही दिक्कत है, यहाँ पे एक चीज है जिसका खतरा हमारे सर पे मंडरा रहा है। देखो आप ही देखो, दिखी नहीं दिखी, देखो अब यहाँ पे एक गुफा है नीचे जाने के बाद, तो इधर एक छोटा सा कुछ तो है एंड यहाँ पे एक गुफा है। अभी इधर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि उधर से पुलिस ने हमें हकाल दिया, वो अच्छा किया, नहीं तो मैं जरंडेश्वर जा चुका हूँ तो ये नई जगह हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इसलिए अनप्लान्ड ट्रिप्स आर बेस्ट। डैश इट कैमरा। तो गाइज यहाँ पे मंदिर कड़े बोर्ड दिख रहा है, मतलब मंदिर की तरफ। सो यहाँ पे एक गुफा है जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो हम अभी फोटो शूट कर रहे हैं एंड इतना अंधेरा है, भूत दिख रहे, मुझे अभी डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ भाग के। तो देख सकते हो मैं कितना पसीना पसीना हो गया क्योंकि अंदर बहुत बहुत गर्मी है, मुंह से ऐसी बाफ निकल रही है एंड कुदरत का करिश्मा ही है, वाह इतना अच्छा लग रहा है। साइड में रेलिंग भी है पकड़ने के लिए, तो कोई बात नहीं, आप सबको इधर आना ही होगा, आना ही होगा।
किया। एंड गाइस मैं अभी ही बता रहा हूँ कि व्लॉग इससे भी लंबा होने वाला है, सो तैयार रहना, बहुत मजा आने वाला है आपको। तो गाइज ये गुफा के आखिरी में यहाँ पे देवी का मंदिर है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आने के बाद दत्त भगवान का मंदिर है, तो मैं खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि सर फट जाएगा। तो यहाँ पे दत्त माउली का मंदिर है एंड लास्ट में इधर आओ। तो गाइज आखिरी में यहाँ पे जैन मंदिर है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यहाँ पे शंभू भगवान का मंदिर है, यहाँ पे दत्त जी का मंदिर है, यहाँ पे पार्श्वनाथ का मंदिर है जो तीर्थंकर है जैन धर्म के, एंड यहाँ पे एक मस्जिद भी है मैंने सुना है। तो सर्वधर्म समभाव जो बोलते हैं हम, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे आने के बाद। एंड गाइज ये जो गुफा है ये पांडवकालीन गुफा है, यहाँ पे पांडव भी वास्तव करके गए है। गाइज जब पांडव अज्ञातवास में थे तब कौरव उनको ढूंढ रहे थे, तब वो यहाँ पे रहा करते थे, इसलिए ये पांडवकालीन गुफा है। इतनी हिस्ट्री हमारे पास है तो मैं एक्सप्लोर करूंगा ऐसे ही। ज्यादा देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप, आपको पसंद आ रहा है तो। तो गाइज हमने देखा ही नहीं, गुफा में गुफा है और एक यहाँ पे पानी है, दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पे है पानी, देखो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ये बहुत अंदर तक है बट दिख नहीं रहा। सच में गाइज प्रकृति का करिश्मा देख के मैं आज थक हो गया। तो गाइज हम अंदर गए थे एंड अभी ने अभी एक बात बोली है, अभी वैसे कुछ काम की बातें बोलता नहीं, बकबक करता है, बट आज काम की बात भाई ने बोली कि इंसान कैसा भी हो भगवान के आने के बाद वो झुकता ही है, क्योंकि इस गुफा में पूरे टाइम आपको झुके रहना पड़ता है। ओके ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो गाइज हम ऊपर जाके बैठ रहे, उनका गॉगल गुफा में गिर गया तो लेने के लिए गए, हम बाहर जाते हैं एंड नेचर की मजा लेते हैं। एंड गाइज एक मैं मजेदार आपको चीज बताना चाहूंगा, अभी अभी KGF 2 आने वाला है एंड KGF में स्टारिंग कर रहे हैं हमारे यश भाई गरीबों का तो भाई बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, इसलिए वो दिखावा नहीं करता, बट KGF में वही है ना भाई, गरीब अंसा। तो गाइज ये जो मंदिर देख रहे हो मेरे पीछे, ये हनुमान जी का मंदिर है। आज श्रावण महीने का शनिवार है, हम जरंडेश्वर गए थे, उधर दर्शन नहीं मिला बट यहाँ पे हनुमान जी का दर्शन मिला, भाग्य हमारा। एंड ये जो मंदिर देख रहे हो हनुमान जी का ऐसा है एंड यहाँ पे गणेश जी भी है। एंड किले पे एक पानी का तालाब है जिसमें पीने लायक, अभी तो पानी नहीं बचा बट शायद उस टाइम ये पीने के लिए यूज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे देख सकते छोटे छोटे घर भी है एंड कपड़े वगैरह सुखाए हैं, सो लोग रहते होंगे ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। एंड ये देखो गाइस फोटोग्राफ अभी लाइव। हाँ पीने के पानी की वहाँ पे सुविधा है, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, मतलब बेसमेंट बाकी है, बाकी जो वॉल्स थी वो गिर गई है, ये शायद कोई वाड़ा या कोई महल या फिर रहने के लिए इंतज़ाम हो सकता है, तो ये अवशेष देखने को मिलते हैं जो गिर चुके हैं। तो गाइस सब बातें मैंने बता दी बट एक बात मैंने नहीं बताई, वो ये कि हर एक महाराष्ट्र के किले का मराठी शाही से संबंध है। तो इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1673 में जीता था, अजिंक्य तारा जीतने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्वराज में आया था, तो ये मराठा हिस्ट्री के साथ इस किले का संबंध है। एंड मंडली जैसे मैंने बोला था कि ऊपर आने के बाद एक मस्जिद है, उसी के ये कुछ अवशेष है, मैं भी पुराने जमाने में अच्छी रही होगी मालूम नहीं, क्योंकि अभी तो यही अवशेष है, हमें इधर के लोगों ने बताया कि यही अवशेष बाकी है। तो गाइस मस्जिद देखने के बाद मैं बता दूं कि ये जो दो फोर्ट दिख रहे हैं ये चंदन और वंदन है, मतलब दोनों पास में, इसलिए सिमिलर नेम्स है चंदन वंदन। एंड गाइस बार बार ये जो विंडमिल्स दिख रहे हैं इसके पैर में मैं गिरने से खुद को नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि क्या प्यारा लग रहा है।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसे लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब आप कमेंट करते हो तो मेरा और हौसला बढ़ता है, एंड जब लाइक करते हो तो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड गाइज आते दिनों में हम खुद की देखभाल करके बहुत सारे जो लोकेशंस है वहाँ पे घूमने वाले हैं सातारा के आसपास के। अब मैं नहीं रुकूंगा, ओके, अब ट्रैवल ब्लॉग्स या मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। सो सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकॉन भी बजा देना, और घंटी होती है बजा देना, ओके। सांगा रे सब्सक्राइब कर लो। अरे करा कि रे, ते सब्सक्राइबचं बटन दाबून टाका एकदा, काय रे सोपे तुझ्या भाषेत करारा पोरगती लई कष्ट करा लागले, सबस्क्राईब करा ती जरा बटन करून टाका, करून टाका यांना दिलं की हे उद्योग वाढवून ठेवतात।